प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार वैद्य। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन अजय सिंह यादव और दीपेंद्र हुड्डा के बीच पनपे प्यार की। राजनीति में समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। यहाँ कभी किसी नेता के सुर किसी के खिलाफ बगावती होते हैं तो कभी उनके लिए इतना प्यार उमड़ता है कि बस शब्द भी कम पड़ जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन यादव कभी हुड्डा परिवार के खिलाफ मुखर रहते थे, मगर आपसी फूट के दुष्परिणाम देखकर कांग्रेस की एकता के लिए हुड्डा और कैप्टन परिवार अब घी खिचड़ी होते जा रहे हैं। 6 मार्च सोमवार को कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव रोड़ाई में हुई दीपेंद्र हुड्डा की जनसभा में नज़ारा कुछ ऐसा ही था। अपने भतीजे दीपेंद्र के लिए कैप्टन का इतना प्यार उमड़ा कि बस कहिए मत। वह बार बार भतीजे 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 कह रहे थे। दीपेंद्र को अपना भतीजा बताते हुए कैप्टन कोसली के लोगों को इस बात का उलाहना दे रहे थे कि उन्होंने इतने मेहनती और काम करने वाले व्यक्ति को लोकसभा चुनाव में कोसली से हराया क्यों। हालांकि भीड़ से जब दीपेंद्र को मुख्यमंत्री बनाने की बात उठी तो कैप्टन ने बात को यह कहकर थोड़ा घुमा दिया कि भविष्य की बातें भविष्य में होंगी, मगर उन्होंने दीपेंद्र के लिए लोगों से खुलकर आशीर्वाद मांगा। कैप्टन ने भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोगों के काम नहीं कर पा रही है। दीपेंद्र हुड्डा से पहले कैप्टन ने भी एम्स व अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को जमकर घेरा। दीपेंद्र सोमवार को लगातार दूसरे दिन कोसली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। अवसर भले ही होली मिलन का था, मगर यहां दीपेंद्र का कैप्टन से भी मिलन हो रहा था। कैप्टन ने कहा कि यहां के गांव माजरा में एम्स का निर्माण जानबूझकर लटकाया जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, मगर सरकार को कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी की नीतियों की प्रशंसा करते हुए कैप्टन ने कांग्रेस के कार्यकाल की उपलब्धियाँ बताई। कैप्टन बातों बातों में यह कहना भी नहीं चूके कि रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भी अधिक काम कोसली विधानसभा क्षेत्र में हुए, मगर इतना होने पर भी कोसली ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। कैप्टन ने कहा कि स्कूल कॉलेजों की बात हो या विश्वविद्यालयों की, कांग्रेस के राज में जितना हुआ इतना कभी नहीं हुआ। पहले एक बार खुद सुने कैप्टन यादव की प्रमुख बातें। आपका रीजनल सेंटर खोला, कोसली में आपका जो है कॉलेज खोला, यहाँ पर गुराड़ा में खोला, मेरे यहाँ खरगड़ा में हमने खोला, लड़कियों को कॉलेज खोले, पॉलिटेक्निक बनी, यूनिवर्सिटी बनी। आप मुझे बता दीजिए इस राज में कोई एक भी काम होया आपको, एक भी काम, कोई बिल्डिंग बनी हो, कोई बहुत ही बढ़िया काम कर दिया हो सरकार ने। हाँ, एक काम जरूर कर दिया, महंगाई बढ़ा दी और गैस का सिलेंडर भी 50 रुपए का तोहफा दिया आपको होली वाले दिन। मुझे पता है जब लिस्ट निकलती थी हमारी सरकार में तो कोसली के लोग मेरे रेवाड़ी हल्के ज्यादा लगते थे। यदि ये आपका नंबर अब हमारे से ऊपर होता था, और फिर भी जो है 75,000 से भाई दीपेंद्र जी आ रहे, तो भाई कम से कम इतना लिहाज तो रखा करो जो आदमी आपको रोजी रोटी दे और जो इलाके में विकास करे, अगर उसके साथ नहीं दोगे तो कोई काम नहीं करेगा आपका, ये मैं आपको बता देता हूँ। और दीपेंद्र के अलावा आपका भला भी नहीं कर सकता कोई, ये मैं बता दूंगा। कैप्टन के भाषण से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन यादव को अब दीपेंद्र हुड्डा को ताकत देने में ही कांग्रेस का भला नजर आ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी मंच से यह कहकर कप्तान का मान बढ़ाया कि वह उनके बुलावे पर यहाँ पहुँचे हैं। दीपेंद्र ने कैप्टन का हार्दिक धन्यवाद भी कहा। आपसे एक अनुरोध भी है, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।